हेलो फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंटों ने ईटीटी की काउंसलिंग में भाग लिया था उन स्टूडेंटों को कई कारणों से कॉलेज नहीं मिली है या फिर कम नंबर आने के कारण कॉलेज नहीं मिली, तो उन स्टूडेंटों को पीटीटी की ओर से रिफंड दिया जा रहा है। जिन स्टूडेंटों ने 5,000 का चालान कटवाया था उन उसमें से 200 रुपये काट कर पीटीटी वापस लौटा रही है। ये पीटीटी की मेन वेबसाइट है। और यहाँ पर ये जो स्लाइड चल रही है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख रखा है पीटीटी 2021 में प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, अतः अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वह प्रवेश हेतु संपर्क ना करे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जिन स्टूडेंटों ने 2 ईयर्स कोर्स में भाग लिया था उन स्टूडेंटों के यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है अप्लाई फॉर रिफंड। तो आप यहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, जिसमें आपके कोर्स का नाम, रोल नंबर, आईडी, नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको सबमिट करना होगा और ये बैंक डिटेल भी आपको डालनी होगी। इन स्टूडेंटों ने 4 ईयर्स में भाग लिया था, बीएड में भाग लिया था, उनकी भी रिफंड का फॉर्म भरा कर रहा है। जिन स्टूडेंटों ने 4 साल बीएड में भाग लिया था उनका भी रिफंड, अप्लाई फॉर रिफंड यहाँ पर लिख सकता है। आप देख सकते हैं बीएड स्टूडेंट और बीएससी बीएड स्टूडेंट का सभी स्टूडेंटों को पीटीटी की ओर से रिफंड की देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्लीज़ आप हो सके तो ई मित्र की दुकान पर जाकर ही ये रिफंड भरें, वहाँ पर आपकी सारी बैंक की डिटेल भरनी होगी और अपने ही बैंक में ये रिफंड पीटीटी की ओर से लौटाया जाएगा। अपने मम्मी पापा के फोन अकाउंट ना दे के स्वयं का अकाउंट दे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।